तो ग्रीक माइथोलॉजी और नॉर्स माइथोलॉजी पे वीडियो बनाना आसान था क्योंकि चाहे उन गॉड्स पर भरोसा करने वाले ना रहे हों लेकिन उनकी कहानियां हमें अभी भी सुनने को मिल ही जाती हैं। पर जैपनीज माइथोलॉजी की नहीं, एनीमे एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है वर्ल्ड का और वो हमें जैपनीज कल्चर के बारे में भी सिखाता है। अब अगर तुमने साइलेंस मूवी देखी है तो कुछ हद तक वो जापान के बारे में एक सच बता देती है कि सैकड़ों सालों पहले ही जापान में वेस्ट का इफेक्ट पड़ने लग गया था और इसीलिए उनका मोस्टली कल्चर उन तक ही लिमिटेड रह गया। अभी अगर तुम देखो तो जैपनीज कल्चर का अर्थ ही यही है कि प्रकृति, जीव और हर चीज के लिए रिस्पेक्ट की भावना रखो। अब जैपनीज माइथोलॉजी बहुत यूनिक है तो एक वीडियो में मैं सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, पर टेंशन मत लो क्योंकि बाद में और भी वीडियो आ जाएंगे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी सीन तुम देखोगे इस वीडियो में वो जैपनीज माइथोलॉजी द एसेंशियल बुक से लिए गए हैं। तो शुरुआत में हर जगह तबाही थी और उस तबाही के बाद प्राचीन भगवानों ने ही आसमान और धरती को बनाया और फिर उन्होंने बनाया इजानागी और इजानामी को। इन दैविक जोड़ी का काम था संसार और इसमें बसने वाली हर चीज का निर्माण करना और इन्होंने अपनी क्रिएशन का काम मिलकर इतनी खूबसूरती से किया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में गिर गए। तो दोनों ने निश्चय किया कि दोनों मिलकर खूबसूरत संतानें पैदा करेंगे, पर इनके प्यार से जिन जीवों ने जन्म लिया वो दिखने में बहुत अजीब थे, जैसे कि उनको कोई श्राप मिला हो, क्योंकि इसका कारण था कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए प्रपोज फीमेल ने किया था, मेल ने नहीं। तो उन्होंने फिर से कोशिश करने का सोचा और इस बार पति यानी इजानागी ने इजानामी को प्रपोज किया इस रिचुअल के लिए और इस तरह इन दोनों ने दूसरे गॉड्स को जन्म दिया और मिलकर जापान के वो आइलैंड्स बनाए। पर इनका अंत उतना खुशी भरा नहीं था। इजानामी ने आखिरी बच्चे को जन्म दिया कागोसुची को, जो गॉड ऑफ फायर था, लेकिन उसके पैदा होते ही वो मर गई और वो योमी में चली गई जो मौत की दुनिया है। इजानागी ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक बच्चे के जन्म ने उसकी बीवी को मार दिया और उसने कागोसुची के टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने हथियार से और उस बच्चे के टुकड़े जो धरती पर गिरे वो सब आज जापान के वाल्कानो यानी ज्वालामुखी हैं। और फिर इजानागी ने अंडरवर्ल्ड में जाने की सोची अपनी बीवी को बचाने के लिए, पर वो जगह ओनी यानी कि जितनी भी इविल स्पिरिट्स थी उनसे भरी हुई थी। उसे उसकी बीवी वहाँ भी ऐसी ही हालत में मिली, पूरी तरह से करप्टेड फॉर्म में। अब वो कोई दैविक स्पिरिट नहीं थी, गॉडेस ऑफ डेथ थी, जिस पर मैं फ्यूचर में डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो इजानागी ने अपनी बीवी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इजानामी ने गुस्से में आकर उसके पीछे मॉन्स्टर्स को लगा दिया। तो इजानागी जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल आया और योमी यानी अंडरवर्ल्ड का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया, इजानामी यानी अपनी पत्नी को हमेशा के लिए वहाँ बंद करके। अंडरवर्ल्ड की डार्कनेस से खुद को दूषित पाए इजानागी ने एक प्योर बात लिया और उस बात से कई कामी यानी गॉड्स और योकोई यानी की स्पिरिट्स पैदा हुए। और जब इजानागी अपनी बीवी के लिए रोया तो आमे तेरासु और सुकुयोमी नाम के एक गॉडेस और एक गॉड उन आंसुओं में पैदा हुए और उसकी नाक से पैदा हुआ गॉड सुजानो। आमे तेरासु थी सन गॉड और सुकुयोमी था मून गॉड और सुजामो था स्टॉर्म गॉड थॉर की तरह। अब बात करते हैं सुकुयोमी की। तो एक बार वो उके मोची गॉडेस ऑफ फूड के यहाँ खाने पे बुलाया गया तो उसने नोटिस किया कि गॉडेस एक पत्थर के पीछे जाती है और थोड़ी देर में दूसरी तरफ से तरह तरह का खाना लेकर बाहर निकलती है। तो वो छुप कर चेक करने गया कि चल क्या रहा है, तो उसने देखा कि उके मोची अपने कान, नाक, मुंह और शरीर के जो जो होल्स हैं वहाँ से प्लेट में खाना निकाल रही है। ये गंध देखकर सुकुयोमी से रहा नहीं गया और उसने फूड गॉडेस की गर्दन काट दी और उसकी मौत से जो जो खाना था वो धरती पे गिरा और इसीलिए धरती पर अलग अलग जगह अलग अलग तरह का खाना पाया जाता है। जब आमे तेरासु को ये पता चला तो उसने अपने भाई को स्वर्ग से निकाल दिया और इसीलिए मून अकेला रहता है और इसी से रात और दिन का चक्कर चलता है क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रहते। और इसी के बाद आमे तेरासु स्वर्ग की मेन गॉडेस बन गई और सुजानो यानी तूफान का देवता गुस्सा था कि उसकी सिस्टर सारे गॉड से इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसने धरती पर अकाल ला दिया। इजानागी के पूछने पर सुजानो बोला कि वो अंडरवर्ल्ड में रह लेगा इस दुनिया से अच्छा जहाँ उसकी बहन की तरह उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। इजानागी भी गुस्से में बोल गया कि उस गंदी जगह से कभी वापस मत आना फिर। अब सुजानो जाने से पहले आखिरी
आखिरी बार अपनी बहन से मिलना चाहता था। जब आमी तेरासु को ये पता चला कि सुजानो आ रहा है, तो उसने सोचा कि ये मेरी जगह छीनने आ रहा है, तो वो लड़ाई के लिए तैयार हो गई। सुजानो ने अपनी बात मनवाने के लिए कि वो लड़ने नहीं आ रहा है, अपनी बहन को अपनी तलवार दे दी। उस तलवार के तीन टुकड़ों से तीन फीमेल देवियां बनी और सुजानो ने अपनी बहन के नेकलेस से पांच मेल देवों को बनाया। आमी तेरासु ने बोला कि भाई तू हार गया, क्योंकि तेरी तलवार से बस तीन बेटियां हुई और मेरे नेकलेस से पांच बेटे, तुझसे ज्यादा। तो अपनी बहन के गुस्से में उसने आमी तेरासु के महल में तबाही मचा दी और वहाँ काम करने वाली औरतें भी डर से मर गई। परेशान और दुखी सन गॉडेस एक गुफा में जा छुपी और अपने आप को बंद कर लिया। इसका असर ये हुआ कि अंधेरा हर जगह फैल गया और जानवरों की जगह ले ली इविल स्पिरिट्स ने। तो बहुत टाइम तक उस अंधेरे में रहने के बाद सारे गॉड्स उस गुफा के बाहर इकट्ठे होकर पार्टी करने लग गए। नाच गाना सब था। आमी तेरासु ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो बाहर आई कि सब लोग इतने खुश कैसे हैं। तब सामने रखे आईने में उसे एक और सन गॉडेस दिखाई दी, पर थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि ये तो मैं ही हूँ और वो समझ गई कि उसकी रोशनी से ही पूरा संसार है। तो अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों को दुख नहीं दे सकती। दुनिया वापस अच्छी हो गई थी, पर सुजानो को सजा देने के लिए उसके बाल काट के उसे भगवानों के दर्जे से बाहर करके वापस धरती पर पटक दिया गया। अब अकेला रह गया गॉड सुजानो। जब नदी के किनारे खड़ा था तो उसे वहाँ एक बूढ़े कपल रोते हुए दिखाई दिए। उसने जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ड्रैगन उनकी सात बेटियों को अपने साथ ले गया सैक्रिफाइस के लिए और अब उनकी बस एक ही बेटी बची है। तो गॉड सुजानो उनसे वादा करता है कि वो उनकी खूबसूरत बेटी की रक्षा करेगा। पर वो ड्रैगन कोई ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, वो ड्रैगन था यमाता नो ओरोची, आठ सर और आठ पूछो वाला लेजेंडरी ड्रैगन। तो सुजानो ने क्या किया कि उस लड़की को एक कंघे में बदल कर अपने बालों पे लगा लिया। जब ड्रैगन अपने सैक्रिफाइस के लिए आया तो उसने देखा कि एक किसान जिसने आठ बैरल को चावलों की दारू से भर रखा था और ये उस ड्रैगन के लिए किसी न्योते से कम नहीं था। दारू पीते ही ड्रैगन नशे में हो गया। इसके बाद सुजानो ने किसान की वेशभूषा फेंकी और उसने ड्रैगन का एक सर काट लिया। अपनी लाइटनिंग और तलवार से ड्रैगन के वारों से बचता हुआ वो उसके हर एक सर को काट रहा था, लेकिन ड्रैगन अभी भी जिंदा था। तो जब सुजानो उसकी पूंछ काटने गया तो उसकी तलवार ही टूट गई, पर उस पूंछ में से उसे मिली एक नई तलवार कुसानागी। फिर सुजानो उस लेजेंडरी तलवार को देखकर उसे सन गॉडेस के पास ले गया और वो तलवार उसे देते हुए अपनी हर गलती की माफी मांग ली। सन गॉडेस खुश हो गई और सुजानो अपनी वाइफ कुसीना दाहिमे के पास चला गया। सुजानो के कई बच्चे हुए जो जापान के खुशहाल इंसान बने और सुजानो वहीं एक महल में रहने लग गया। वहीं सन गॉडेस के भी कई बच्चे हुए और जिम्मू जो फर्स्ट एम्परर था जापान का, वो सन गॉडेस का ही वंशज था और वहीं से शुरू हुई जापान की यामाटो डायनेस्टी। रुको रुको, जाने से पहले मेरे कुछ फेवरेट जापानीज मॉन्स्टर्स के बारे में भी सुनते जाओ, क्योंकि मॉन्स्टर्स, ओनी, इविल स्पिरिट्स, जो भी तुम उन्हें बुलाना चाहो, यही तो है जापान का असली अट्रैक्शन माइथोलॉजी में। तो पहला है सिरी में एक सफेद मॉन्स्टर जो तुम्हें अगर रास्ते में मिल गया तो तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, पर अपने सारे कपड़े खोल के तुम्हें अपनी आंख जरूर दिखाएगा और इसकी आंख बिल्कुल भी सही जगह नहीं होती, मतलब जैसा कि तुम देख ही सकते हो। अगर ओनली फैंस वालों की कोई रिलेटेबल स्पिरिट होगी तो यही होगी। दूसरा है कासाउबा, की एक टूटा हुआ छाता जिसके एक जीभ और एक टांग निकली हुई है। ये सुकु मोगमी का पार्ट है, जहां रोज काम में आने वाले ऑब्जेक्ट्स में आत्मा चली जाती है। और काप्पा, इनके बारे में डोरेमोन जैसे एनिमे में देखा ही होगा, कछुए जैसे दिखने वाले खीरा खाने वाले शैतान। किसी नदी तालाब के पास या तो ये लड़कियों के किमोनों के नीचे झांकते हैं, पर ये ज्यादा खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि ये बच्चों को किडनैप करते हैं, लोगों को डुबा डुबा के मारते हैं और तो और इवन औरतों के साथ जबरदस्ती संबंध भी बनाते हैं। भरोसा ना हो तो ऑनलाइन चेक कर लेना। तो जैपनीज माइथोलॉजी बहुत सिंपल है, पर इसमें बहुत सारी डार्क और वियर्ड चीजें भी हैं। अब अगला मैं सोच रहा हूँ कि ग्रीक या नॉर्स माइथोलॉजी से कुछ स्पेशल स्टोरीज लाऊं, जैसे कि रैग्नारोक की। तो कमेंट करके बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए और ये बताओ कि जापानीज माइथोलॉजी कैसी लगी। तो अब तुम्हें करना क्या है कि अगले वीडियो के लिए तुम्हें कमेंट में रैग्नारोक लिख देना है। तो देर किस बात की, शुरू हो जाओ।